अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 3। दिस स्टूडेंट्स, कुछ हमारे पास टिपिकल वर्ड्स हैं पेज नंबर 43 एंड 44 से रिलेटेड। फर्स्ट वर्ड इज डाइजेशन। क्या वर्ड है? डाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड इज स्वेल आउट। स्वेल आउट। नेक्स्ट वर्ड इज एसोफेगस। एसोफेगस। नंबर 4 इज स्टमक। स्टमक। नंबर 5 फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास डाइजेशन। डाइजेशन। स्वेल आउट। स्वेल आउट। एसोफेगस। एसोफेगस। फोर्थ वर्ड इज स्टमक। स्टमक। इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। लिवर। लिवर। पैंक्रियास। पैंक्रियास। एंड लास्ट वर्ड इज एनस। स्टूडेंट्स, इन डिफिकल्ट वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करेंगे और अब हम बुक पे मूव करते हैं इन पेजेस की रीडिंग करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? डाइजेशन क्या होता है, जिसमें देखिए सबसे पहले डाइजेशन में हमें जी स्टूडेंट्स तमाम लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, और खाने से हमें किस चीज़ क्या चीज़ प्रोवाइड होती है? एनर्जी। और हमें एनर्जी किस चीज़ से मिलती है? खुराक से। लेकिन जब तक हमारी फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड होगी? तो इसलिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रोसेस हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। Digestion is the process of breaking down food into simpler forms so that it can be used by the body. Digestion क्या होता है? ये एक process होता है जिसमें हम हमारी body जो है वो break को food down करती है, food को break down करती है simpler form में, then जो उसके अंदर से material होता है वो हमें energy provide करता है जो digest हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ने लगे हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस आखिर स्टार्ट कहाँ से होता है। इट बिगन्स इन द माउथ इट्सेल्फ। जब हम खाना अपने माउथ में लेते हैं तो माउथ से इसमें हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। हम पहले माउथ में लेते हैं फूड को, देन उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे पीसेस में, और वो पीसेस में डिवाइड ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चीज़ हेल्पफुल होती है? यस, टीथ हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। और फूड को सॉफ्ट बनाने के लिए कौन सी चीज़ हेल्पफुल होती है? जी, स्लाइवा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की ये डायग्राम बनी है जिसको हमने आज डिस्कस करना है, और इसमें से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रीवियस पेज में कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना हम कहाँ पे लेते हैं डाइजेस्ट करने से पहले? यस, माउथ पे लेते हैं, और देन माउथ और माउथ के अंदर हमारे पास सलाइवा होता है और टीथ होता है जो हमारी फूड को ब्रेक डाउन और सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। देन फूड कहाँ पे चली जाती है? यस, हमारी फूड मूव करती है एसोफेगस की तरफ, और एसोफेगस का सेकेंड नेम है फूड पाइप। ठीक है, ये एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं एसोफेगस, और क्या कहते हैं? फूड पाइप। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे द फूड नाउ मूव्स डाउन अ ट्यूब लाइक अ फूड पाइप और एसोफेगस इन द स्टमक। तो जब हम खाना हमारा मुंह से नेक्स्ट कौन से किस पॉइंट पे जाएगा? यस, फूड पाइप पे जाएगा, और फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? एसोफेगस कहते हैं। जब हमारा एसोफेगस का वर्किंग ख़त्म हो जाती है, रोल ख़त्म हो जाता है, तो देन हम किसकी तरफ मूव करते हैं? स्टमक की तरफ मूव करते हैं। एसोफेगस से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टमक। ठीक है, स्टमक के पास हमारे पास लिवर और गॉल ब्लैडर भी है, लेकिन पहले खाना जो है वो हमारा मूव करेगा स्टमक की तरफ। और स्टमक क्या रोल प्ले करता है? द स्टमक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। इट इज़ अ होलो मस्कुलर बैग।
ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या होता है, एक मस्कुलर बैग में, मसल्स की शेप में एक बैग होता है खाली, जिसके अंदर हमारा खाना जाता है। जी स्टूडेंट्स, जब हमारा स्टमक का वर्किंग ख़त्म हो जाती है तो फिर हमारी फूड जो है वो कहाँ पे मूव करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी यहाँ से बॉडी स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर गई। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड जो डाइजेस्ट स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन अभी नहीं हुई होती वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो फूड हमारी छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब डाइजेस्ट हो जाती है, तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब जो ब्लड होता है, जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है, वो हमारा मूव कर जाता है वेंस के थ्रू पूरी बॉडी में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर वो पूरी बॉडी में हमारा मूव कर जाता है, और जो पार्ट हमारा, जो फूड का पार्ट, मतलब जो फूड हमारी डाइजेस्ट नहीं हुई होती वो किस तरफ मूव कर जाती है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से, यहाँ से वो लार्ज इंटेस्टाइन से मूव करती है, और ये वर्किंग ट्रैवल करती हुई कहाँ पे चली जाती है, रेक्टम से। रेक्टम से लास्ट पॉइंट है हमारा एनस, जिसके थ्रू हम वेस्टेज अपना रिलीज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जो फूड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या वर्किंग होती है, जो फूड हमारी डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है, वो चली जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड इज नाउ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारी कब होती है, जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। और लिवर के पास हमारे स्टमक के पास थ्री हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं, जो कि लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज होते हैं। जी स्टूडेंट्स, डाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड हमारे पास एक मॉडल है, उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फूड जो है वो माउथ में लेते हैं। माउथ में हेल्प करता है हमारे टीथ और स्लाइवा। टीथ फूड को ब्रेक डाउन करने में और स्लाइवा फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। जब फूड हमारी सॉफ्ट हो जाती है तो वो मूव करती है एक ट्यूब की तरफ। उस ट्यूब को हम कहते हैं एसोफेगस और फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है स्टमक। फूड पाइप से हमारी फूड जो है वो स्टमक में चली जाती है। स्टमक उसको डाइजेस्ट करता है, और स्टमक को डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। ये तीनों जो हैं वो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में स्टमक में हेल्प करते हैं। लीवर एक बाइल प्रोड्यूस करता है, लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी फूड में फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारा स्टमक वर्किंग ख़त्म हो जाती है, मतलब कि फूड डाइजेस्ट हो जाती है, उसके बाद हमारी फूड मूव करती है किसकी तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड हमारी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो मूव कर जाती है वेंस में, ब्लड के फेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, इन फॉर्म ऑफ ब्लड मूव कर जाती है वो वेंस में, मतलब कि वो पूरी बॉडी में हमारी सर्कुलेट कर लेती है। ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और जो फूड हमारी डाइजेस्ट नहीं होती वो कहाँ मूव कर जाती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से, यहाँ से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन से ये ट्रैवल करती करती, ये इस तरफ ट्रैवल करती करती ये आ जाती है हमारे पास रेक्टम में। ये हमारा रेक्टम पॉइंट है। रेक्टम पॉइंट के बाद लास्ट पॉइंट है हमारा एनस। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम अपनी फूड को रिलीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनस। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स मीन हमारी ये फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट हो गई है। ये वेस्टेज हम एनएस के जरिए रिलीज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं हम।
इन पेजेस से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7 एंड 8 है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि आपने याद करना है और आपकी नोटबुक पे जिनके नोट्स कंप्लीट किए गए थे स्टूडेंट, जो कि आपकी नोटबुक पे राइट करवाया गया था, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।